आजकल के डेट में हम शेयर मार्केट में 5 या 10% के लिए ही मर जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक 33,000% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर देख सकते हो 33,823, मतलब ये दोस्तों अराउंड 33,000 का। अगर आपने केवल 30 या 40,000 रुपीज़ अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आज के डेट में आप करोड़पति होते, आज के डेट में आप करोड़पति होते दोस्तों, इतना पैसा कि गिनना मुश्किल हो जाता। उसी तरह दोस्तों आने वाली दुनिया में कौन सा ऐसा कंपनी है जो आपको इससे भी अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों वीडियो को बीच में मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो स्टॉक ही नहीं कुछ नॉलेज भी देने वाला हूँ जो आने वाले दिनों में आपको हेल्प करेगा शेयर मार्केट में पैसा कमाने में, ठीक है? क्योंकि नॉलेज चाहे छोटे लोगों से मिले या बड़े लोगों से मिले, नॉलेज ले लेना चाहिए, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है, हाँ दोस्तों आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं उस कंपनी का नाम आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है दोस्तों, अवंती फीड। देख सकते हो 10 ईयर्स का जो रिटर्न है 32,823, ठीक है? इतना बड़ा रिटर्न बहुत है दोस्तों, ठीक है? ऐसे ही एक कंपनी में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो इससे भी अच्छा आपको रिटर्न निकाल के देगा। लेकिन याद रखिएगा, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में नहीं, 10 साल के अंदर आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है? 8 to 10 ईयर्स के अंदर आपको बहुत बहुत अच्छा रिटर्न देगा। कौन सी ऐसी कंपनी है दोस्तों, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आप वीडियो। तो वो स्टॉक का नाम है दोस्तों IRCTC। इसके बारे में हम पूरी जानकारी के साथ और पूरी डिटेल के साथ जो है हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कंपनी का नाम देख लो, IRCTC। और जो अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों वो 1930 रुपीज चल रहा, ठीक है? मैं तो बोलूंगा दोस्तों दम भर खरीद लो, जिन्होंने नहीं खरीदा और या नहीं खरीदना चाहते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा पछताएंगे, बहुत ज्यादा पछताएंगे दोस्तों। ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, ये दुश्मनी हम आपसे या आप हमसे नहीं कर रहे हो, खुद से कर रहे हो, अपने फाइनेंशियल कंडीशन से कर रहे हो। तो मैं तो बोलूंगा भाई खरीद लो, एक कदम भी पीछे लेना बहुत खतरनाक होगा, इतना याद रखेगा, ठीक है? IRCTC कंपनी को अभी के प्राइस पे इस डेट में भी दम भर खरीदो भाई, जितना हो सकता है उतना खरीद लो, क्योंकि आने वाले दिनों में दोस्तों, आने वाले लॉन्ग टर्म में IRCTC आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देगा, बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देगा आने वाले लॉन्ग टर्म में। और उस टाइम आप सोचोगे कि मैंने क्यों नहीं खरीदा था, केवल एक शेयर ही तो खरीदना था, एक का मतलब, मेरा कहने का मतलब है एक कंपनी, वो भी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 50,000 रुपीज़ होता है और वो क्या करते हैं 10 या 15 कंपनी में पैसे लगा देते हैं, किसी में 5,000 तो किसी में 2,000, पता ही नहीं चलता है किसमें 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, किसी में 10 रुपीज़। तो हमें डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अनलिमिटेड पैसे को लिमिटेड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना, जिससे आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिले, ठीक है? अब बहुत लोग ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई आप इस प्राइस पे बोल रहे हो खरीदने के लिए, क्या आप पहले नहीं थे, क्या पहले नहीं बता सकते थे कि IRCTC को खरीदो, आज के डेट में भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता? तो हाँ भाई, ये है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट जिसमें आपको एक दिन पहले बताया जाता है। तो बहुत लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, बिल्कुल बताया था, अभी दिखाता हूं प्रूफ के साथ, मैं वीडियो बनाना चाहता हूं पूरा। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था और इस वीडियो में मैंने बताया था कि मुथूट फाइनेंस और IRCTC धमाका, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों धमाकेदार प्रॉफिट की तैयारी, यहाँ पर नीचे देख लीजिए अगर आपको थंबनेल में सही से नहीं दिख रहा, ठीक है? मुथूट फाइनेंस और IRCTC यहाँ पर देख सकते हो धमाकेदार प्रॉफिट की तैयारी, ठीक है? अब मैं आपको सबसे पहले डेट दिखा देना चाहता हूँ कि किस डेट में मैंने वीडियो अपलोड किया था, ठीक है? तो यहाँ पर डेट अगर आप देख लेंगे तो वीडियो पब्लिश हुआ था यहाँ 24 दिसंबर को, ये जो है वीडियो पब्लिश हुआ था, दिसंबर में ही वीडियो पब्लिश कर दिया गया था 24 दिसंबर को, ठीक है? और साफ साफ मैंने यहां पर आपको तो दोस्तों थंबनेल और टाइटल देख के ही समझ जाना चाहिए कि मुथूट फाइनेंस और IRCTC में मैंने क्या लिखा है, धमाकेदार प्रॉफिट की तैयारी, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला, ये तो मैंने लिख दिया। लेकिन मैं आपको वीडियो का अंदर भी दिखाऊंगा, ठीक है? एक चीज के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि दोस्तों वीडियो का क्वालिटी थोड़ा खराब है, लेकिन वीडियो का कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है? तो समझना है हमें, तो चलिए वीडियो प्ले कर देता हूं आपके सामने। दोस्तों आप लोगों को दो ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो मेरा सबसे पहला वर्ड मैंने क्या बोला, आज मैं आप लोगों को दो ऐसे स्टॉक बताने जा रहा हूं जिसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। मैंने ये नहीं बोला कि मिला है, मैंने ये बोला है मिलने वाला है, अगर आपने नहीं खरीदा तो आप खरीद भी सकते हो, पूरा वीडियो देख लीजिए।
तो दो ऐसे स्टॉक है दोस्तों जो आने वाले दिनों में आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं जम की। सबसे पहला स्टॉक तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मुथूट फाइनेंस, ठीक है। अभी देख सकते हैं जो करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों 743 चल रहा है, ठीक है। और जो IRCTC चल रहा है, मैं दो स्टॉक बताने वाला था, यही दो स्टॉक है दोस्तों। और जो IRCTC का प्राइस चल रहा है 864। देखिए मार्केट ओपन होने से मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में आपको पहले बता दिया जाता। चलो भाई, मैंने ये भी बता दिया कि मार्केट ओपन होने से भी पहले बता दे रहा हूँ, और आपको एक दिन पहले भी बता दे रहा हूँ। और वीडियो कब पब्लिश हुआ था, तो दिसंबर में ही मैंने जो है 24 दिसंबर को मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। अब देखिए दोस्तों, मुथु फाइनेंस में एक गुड न्यूज की वजह से दोस्तों इसमें आने वाले, देखिए अब बहुत अच्छा रैली आने वाला है, तो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है, और देख लीजिए इसमें मतलब कि दोस्तों जब तेजी आई है तो दमदार तेजी आई है। यहाँ पर देखिए अभी नीचे जाने का ये नाम नहीं ले रहा है, और आज दोस्तों मुझे लगता है कि ये देखिए 750 को भी ये तोड़ देगा। अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों 40 है, 740 है, 750 को भी तोड़ के ऊपर चला जाएगा। तो अगर आपको इसमें खरीदारी करना है तो दोस्तों खरीदारी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बेसिस से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेड नहीं करना है, आज खरीदा कल बेच दिया ऐसे नहीं करना है, ठीक है। और जो दूसरा है दोस्तों IRCTC, दोस्तों IRCTC बहुत अच्छा है, आने वाले दिनों में आपको अराउंड कम से कम तो दोस्तों 30-40% दे सकता है। IRCTC को कम मत समझिए दोस्तों, IRCTC में बहुत ज्यादा जो है आने वाले दिनों में प्रॉफिट होने वाला है। तो आपने सुना दोस्तों मैंने क्या बोला, साफ साफ। पहले तो मैंने मुथु फाइनेंस को बोला कि भाई उसका प्राइस तो इंक्रीज होने ही वाला है, मुथु फाइनेंस का अगर आपने नहीं खरीदा है तो मेरे ख्याल से आपको खरीद ही लेना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बोला दोस्तों, IRCTC को कम मत समझो, आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और ये भी बोला कि खरीद लो, ठीक है। जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो मुथु फाइनेंस का प्राइस कितना था, 700, IRCTC का प्राइस कितना था, 800, ठीक है। और ये रहा आज के डेट में, फरवरी है दोस्तों, मंथ आज जो चल रहा है फरवरी 22 है। यहाँ पर देख सकते हो मुथु फाइनेंस का, देखिए यहाँ पर 700 का स्टॉक जो है 1000 पहुंचने वाला है। अगर हाईएस्ट देख लेते हैं तो 935 मान लेते हैं, 950 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली हम मान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 950 मतलब ये भी जल्दी ही 1000 को टच करने वाला। तो अभी भी अगर आपने नहीं खरीदा भाई मुथु फाइनेंस, तो मैं तो बोलूंगा सोचना बिल्कुल नहीं है, सोचने वाला काम ही नहीं करना। सोचने में दोस्तों दुनिया छूट जाएगी, आप सोचते रह जाओगे। एक्शन लेना सीखो दोस्तों, भले ही गलती हो जाए एक्शन लेना सीखो, ठीक है। अगर गलती करेंगे तब सीखेंगे, तो उसी तरह बोल रहा हूं, खरीद लो भाई, थोड़ा ही खरीदो लेकिन खरीदो, ठीक है। मुथु फाइनेंस को दम भर, ठीक है। उसके बाद IRCTC के दो देख लो, ये भी जो 800 का स्टॉक था आज देख लीजिए दोस्तों 2000 होने वाला है, 800 का स्टॉक 2000 होने वाला है। यहां तक कि दोस्तों एक वीडियो में तो मैंने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोला भाई एक तो खरीदो खरीदो, एक तो कंपलसरी आपको खरीदना ही है चाहे जो भी हो जाए। मतलब कंपलसरी का मतलब ये होता है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए आपको वो काम करना ही करना है। और ये देखिए मैंने दूसरा वीडियो अपलोड करके बताया था कि दोस्तों खरीद लो IRCTC को, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। यहाँ पर देख सकते हो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इतना कमाओगे कि 5 पीढ़ी तक खाओगे, ठीक है। ये वीडियो मैंने कब अपलोड किया था, तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, ये वीडियो जो है 26 जनवरी को मैंने अपलोड किया था, 26 जनवरी को, ठीक है। और साफ साफ बोला भाई खरीद लो, एक तो खरीद लो, तब आपको कितना अच्छा प्रॉफिट होगा आप देख सकते हो। और आज दोस्तों मैं अपना पोर्टफोलियो भी दिखाने वाला हूँ कि कितना प्रॉफिट होता है कितना लॉस होता है। तो सबसे पहले वीडियो प्ले कर लेते हैं। IRCTC में कितना बुलिशनेस है, ऐसे स्टॉक को खरीदना है तो मैं बोलूंगा दोस्तों आने वाले 5 साल तक आप खरीद के रख दो। इतना बड़ा, इतना अच्छा जो आपको प्रॉफिट मिलेगा आप देख नहीं पाओगे दोस्तों, IRCTC इतना अच्छा। तो देखिए मैंने क्या बोला, इतना बड़ा और इतना अच्छा आपको प्रॉफिट देगा कि आप देख नहीं पाओगे भाई, देखना मुश्किल है। सोच लो इतने पैसे हम कमा नहीं सकते, अगर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंसान ऑटोमेटिक पागल हो जाता है, इतना पैसे मेरे पास कैसे आ गए। अच्छा मॉडल है इसमें, देखो सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, कैटरिंग भी आता है, कैटरिंग के साथ साथ ये जो है असेट लाइट मॉडल ज्यादा है, असेट लाइट मॉडल ज्यादा है, तो ये ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता है दोस्तों IRCTC के लिए। तो मैं तो बोलूंगा दोस्तों अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है, सपोज आप लोगों के पास पैसे नहीं, तो मैं इतना तो जरूर बोलूंगा कि हर महीने एक शेयर तो आप खरीद सकते हो, एक कंपनी का एक ही शेयर खरीदना। अगर हर महीने भी खरीदते हो तो दोस्तों 1 साल 2 साल 5 साल में आपके पास क्वांटिटी भी अच्छा होगा, 5 साल के बाद दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट भी बड़ा हो जाएगा और आपका प्रॉफिट भी बड़ा हो जाएगा। ज्यादा नहीं खरीदना दोस्तों, 1000 का स्टॉक है, अगर 2 भी खरीद लोगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में पैसा तो बहुत लाते हैं लेकिन दिमाग थोड़ा भी नहीं लाते, तो उससे क्या होता है दोस्तों पैसा डुबा देते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को IRCTC को दम भर खरीदो, जितना है दोस्तों एक तो खरीदना ही है कंपलसरी दोस्तों, आप खरीदो खरीदो, इन्वेस्टमेंट लिहाज से दोस्तों आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, मैं तो ये बोलूंगा। तो यहाँ पर आपने सुना दोस्तों मैंने क्या बोला, दम भर खरीदो दोस्तों, चाहे जो भी हो जाए एक तो खरीदना है, कंपलसरी खरीदना ही है। तो देखो मैंने जब ये जब 1000 रुपीज के रेंज में आया तो भी मैंने बोला कि भाई दम भर खरीदो, आज के डेट में 2000 का रेंज हो चुका है। तो कुछ लोग ऐसे भी बोलना चाहते हैं कि भाई आप ये वीडियो दिखा के प्रूफ क्या करना चाहते हो, मैं तो आपका पैसा बचाना चाहता हूं, अब वो कैसे ये भी दिखाता हूं।
तो आज का डेट है दोस्तों 22 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी है आज का डेट, और आज के डेट के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, कल क्या था परसों क्या था, बात खत्म। दोस्तों आज एक बंदे ने वीडियो अपलोड करके यहाँ पर बताया है कि IRCTC या तो 2000+ या गिरावट होगा, नेक्स्ट लेवल ये बताना चाहता है भाई। आज 2000 यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, 22 फरवरी को, यहाँ पर देख लीजिए वीडियो कब पब्लिश हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 22 फरवरी को। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वो बंदे ने आज वीडियो अपलोड मार के बताया कि या तो 2000 से पार होगा या तो वहां से गिरावट होगा, ठीक है। मैं बोलना चाहता हूं कि भाई मैं क्यों खरीदूं IRCTC, जान देना है मुझे। यहां पर देखो IRCTC का जो हाईएस्ट मारा है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, टुडे हाईएस्ट कितना मारा है, 1977, ओनली 30 रुपीज बचा है दोस्तों 2000 होने में। मैं 30 रुपीज के लिए जान दूं, 30 रुपीज के लिए अपना पैसा डुबा दूं, बताइए, ओनली 30 रुपीज ही बचा है आज के डेट में, वो वीडियो अपलोड मार के बता रहा है। और हमारे यूट्यूब चैनल में आपको 800 के रेंज से बताया जा रहा है, 800 के प्राइस में था तब भी खरीद लो, 1000 के प्राइस में था तब भी खरीद लो। यहां तक कि दोस्तों वहां से मैंने कंटिन्यू 3 वीडियोस अपलोड मारे, 1200, 1300, 1400, 1500, आज का दोस्तों 2000 हो गया, लेकिन आज के डेट में भी मैं आपको वीडियो अपलोड मार के दिखा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो इसका बात खत्म हो गया। और देखिए मैं किसी भी YouTube चैनल को फोकस नहीं कर रहा हूँ, ना ही टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस आप लोगों को, पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। ये वैसे तो पब्लिक कुछ समझदार है, आप जजमेंट कर सकते हो। तो ये देखिए ये वीडियो था, और उसके बाद ये सेकेंड है, ठीक है, मैंने चैनल का नाम नहीं दिखाया। ये वीडियो में भी यहाँ पर देख लीजिए, ये वीडियो कब पब्लिश हुआ, आज के डेट का ही मैं बात कर रहा हूँ, 22 फरवरी, ठीक है। आज दोस्तों 22 फरवरी है, मार्केट 2 दिनों से बंद है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो 22 फरवरी को ये जो है वीडियो पब्लिश हुआ, हालांकि मैं पर सब कुछ जो है उनका हटा दिया हूं। और यहां पर बताया जा रहा है कि IRCTC इंट्री का बेस्ट प्राइस लॉन्ग टर्म निवेश के लिए, ठीक है। अब बताइए भाई, आज के डेट में 2000 हो चुका है, तब से सो रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टॉक का प्राइस जब पूरा हाई में चला जाएगा तब आपको बताएंगे कि भाई ये जो स्टॉक है आप इसको खरीद लेते हो तो इतना प्रॉफिट हो जाता, ये स्टॉक जो है इतना प्रॉफिट दे चुका है, भाई अब बताने से क्या फायदा। उसी तरह मान लो कि आज के डेट में अगर मैं वीडियो अपलोड करके बताऊं कि भाई ये देख लो मुथूट फाइनेंस का जो प्राइस है 700 के रेंज में था, आज देखो 900 के रेंज में आ गया दोस्तों, 700 का स्टॉक 900 हो गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है भाई, अब जो है इसका लेवल हो सकता है, हाँ 1915 के आसपास हो सकता है। क्या फ़ायदा दोस्तों वीडियो ऐसे अपलोड मारने से, प्राइस जब बढ़ चुका है तो क्या फ़ायदा वीडियो अपलोड मारने से। IRCTC के बारे में अगर आज मैं बताऊँ कि भाई आज जो है 2000 के आसपास है, ये कर लो वो कर लो, क्या फ़ायदा। हाँ अगर मैं आपको 800 के रेंज में बताता, 1000 के रेंज में बताता, 1200 के रेंज में था तो आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट होता, तो ये वीडियो अपलोड करने से क्या फायदा। ये देख लो, तो ये भाई साहब अभी सो के उठे हैं, देख लीजिए अभी वीडियो जो है 2-3 घंटे पहले ही पब्लिश हुआ, ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देख लेते, इसमें क्या बताया जा रहा है। इस ये वीडियो अगर आप समझ जाओगे तो आपका दिमाग जो है सही जगह पे चला जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है, देख सकते हैं, पहले जो है पब्लिश जो हुआ है ये वीडियो 19 फरवरी को, मतलब कि मार्केट बंद होने के बाद, ठीक है, जैसे ही मार्केट बंद हुआ था उसके बाद ये वीडियो अपलोड किया गया था, मतलब खेला खत्म होने के बाद आपको बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि IRCTC जो है यहाँ पर देख सकते हैं 14% की तेजी, देख लीजिए 14% ने होश उड़ा दिया, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 14% की तेजी ने होश उड़ा दिया IRCTC पोजिशनल बनाने की रणनीति। भाई अगर यहाँ 14% का जो तेजी है इनका अगर होश उड़ा सकता है, तो अगर मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा दूँ कि यहाँ पर 50% का रिटर्न है, 50% का रिटर्न है, तो भाई क्या होगा बताइए। जब 14 10 15% में जब होश उड़ जा रहा है, तो यहाँ 40 50% का अगर रिटर्न मिलेगा तो भाई क्या होगा, आप समझ रहे हो ना। तो ये देख लीजिए, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पोजीशन होल्डिंग जो भी है, आपको पता है ये जीरोधा के डीमेट अकाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए होल्डिंग है। मैं आपको दोस्तों स्टॉक का नाम इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि ये पेड सर्विसेस होती है और ये टोटली डिफरेंट होता है, जो वीडियो में बताया जाता है वो अलग होता है और जो पेड सर्विस में दिया जाता है वो अलग होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अपना पोर्टफोलियो दिखाइए क्या है वो है, तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहला जो है स्टॉक, यहाँ पर देख लीजिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट छोटा है लेकिन रिटर्न बड़ा होना चाहिए। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेंपल में जाते हैं और वहां पर लाखों रुपया करोड़ों रुपया दान देते हैं, अब तो इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि भगवान गरीब है या इंसान गरीब है। अब बताओ भाई, जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता है, ये भगवान मुझे ये ला कर दो, वो ला कर दो, जब पैसे आ जाते हैं तो भगवान को मैं 1 लाख रुपया दे दे रहा हूँ, मैं 1 करोड़ रुपया दे दे रहा हूँ, समझ में नहीं आता इंसान गरीब है या भगवान गरीब है। उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर मार्केट गरीब नहीं है, हमें शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाना, शेयर मार्केट से पैसे लेना है, लेना है,
समझ रहे हो ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बोलते हैं कि भाई अरे यार मेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं है, 10-20 हज़ार से क्या होगा शेयर मार्केट में, कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए तो 5 या 10 लाख रुपए चाहिए। भाई पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, पेशेंस और काबिलियत की जरूरत होती है। यहाँ पर देखो अपने पोर्टफोलियो में झाँक के देखो, क्या आपको कभी 44% का रिटर्न मिला? ये तो दोस्तों 50% तक चला गया था, थोड़ा गिरावट हुआ है ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो 44% का रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न होता है दोस्तों, 44% आप समझ सकते हो। उसके बाद दूसरे स्टॉक में भी देख लीजिए दोस्तों, 41% का रिटर्न, और ज़्यादा बड़ा स्टॉक नहीं है। यहाँ पर देख लो 1500 का रेंज का स्टॉक है, आप क्या 10 1000 का रेंज का स्टॉक नहीं खरीद सकते? 50 रुपीज़ का स्टॉक नहीं खरीद सकते? इजिली खरीद सकते हो ठीक है। तो यहां पर देख लो 1500 का स्टॉक में यहां पर देख लो दोस्तों कितना प्रॉफिट हो रहा है, 44% ठीक है। यहां पर देख लो दोस्तों यहां पर भी ज्यादा नहीं बढ़ा नहीं है, 900 का स्टॉक में यहां पर देख लीजिए 41% का रिटर्न है। 60% का स्टॉक में ये देख लीजिए 60 रुपीज का स्टॉक, 60 रुपीज के स्टॉक में अगर आप मिलता है आपको यहां कितना 36%, तो आप कितना क्वांटिटी खरीद सकते हो सोच लो। तो ये है दोस्तों हर जगह आप देख लो दोस्तों, 500 के स्टॉक में 34% का रिटर्न, 400 के स्टॉक में 31% का रिटर्न, यहां पर ये भी देख लो दोस्तों 1900 के स्टॉक में यहां पर आपको जो है 17% का रिटर्न मिला है, बहुत अच्छा रिटर्न है दोस्तों। इतना बड़ा रिटर्न आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। भाई पैसा का जरूरत ही नहीं है, हमें शेयर मार्केट से पैसे निकालने हैं, डालने नहीं है। बहुत लोग तो अपने जो है डीमेट अकाउंट में पैसे डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि मैं कभी अपने डीमेट अकाउंट से पैसे निकाल के खर्च भी करूँ। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं या ना के बराबर होते ठीक है। आज मैं आपके लिए जो है छोटा सा पोर्टफोलियो बना के मैं आपको दिखाना चाहता था। ये देख लीजिए दोस्तों जीरोदा का ये भी है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों होल्डिंग में केवल 2 शेयर मैंने खरीदा था, केवल 2 शेयर। इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 30,000 के आसपास, 30,000 के आसपास। करंट वैल्यू कितना है दोस्तों? 40,000 ठीक है, 30,000 इन्वेस्ट किया, 40,000 मेरे पास है। तो मान लो यहां पे कितना प्रॉफिट होता है आप समझ सकते हो, 25 अराउंड या 30% का रिटर्न है, 25 या 30% का। मैं आपको मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, पैसे मायने नहीं रखता, पेशेंस और काबिलियत यहां पर मार्केट में आपको पैसा कमा के देगी ठीक है, क्योंकि हम मार्केट को पैसा देने नहीं, मार्केट से पैसा लेने आए हैं। उसी तरह यहाँ पर एक भाई साहब ने वीडियो अपलोड मार के बताया है 18 फरवरी को कि IRCTC वापस 125 रुपया का यहाँ देखिए भागा, 125 रुपया भाग चुका है ठीक है। अब इसका लेवल पे खरीदे, अब इस लेवल पे खरीदे भाई 18 फरवरी को। अब बताइए ये भाई साहब ये बताना चाहते हैं कि वो तो भाग चुका है IRCTC, अब खरीदो, भागने के बाद खरीदो। भाई चोर जब चोरी करके चला जाता है तब उसको बोलो पकड़ो, जब चोरी करने आता है तभी हमें कॉन्शियस रहना चाहिए, सब कॉन्शियस माइंड अपना रखना चाहिए, तभी आपको जो है जिंदगी में सफलता रह पाएगा ठीक है। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो भाई लाइफ तो सबके पास एक ही है ठीक है। अगर आपसे आगे वाला या पीछे वाला कंपटीशन जीत जाता है तो मुश्किल है भाई, आप भी वहीं खड़े हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने एक्शन लिया और आपने क्या किया, खड़े खड़े देख रहे थे। तो एक्शन लेना सीखो। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ बस एक ही स्टॉक पे, IRCTC पे। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न दिए हैं, कहीं पर तो मैंने आपका पैसा भी डबल कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर रहा था, तो बहुत लोग ऐसे वीडियो अपलोड मार के बता रहे थे कि कोटक महिंद्रा बैंक में गिरावट हो रही है 10% की, 5% की, 2% की, लेकिन मैंने क्या वीडियो अपलोड मारा, जस्ट अपोजिट। क्या था यहाँ पर देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में, यहाँ देखिए मैंने साफ साफ लिखा है दौड़ना शुरू किया तो अब हाथ नहीं आएगा ठीक है। आप सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डेट दिखा देना चाहता हूं, वीडियो को मैंने पब्लिश कब किया था, यहां देख सकते हैं 31 जैन को मैंने जो है वीडियो पब्लिश किया था। अब आपके सामने मैं दिखा देता हूं, तो इसका प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है, यहां पर देख सकते हो दोस्तों, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, अभी देख लो, क्योंकि स्टॉक बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो चुका है, अब इसका प्राइस जो है धमाकेदार स्पीड के साथ ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पर भी तो यहाँ पर देख लो दोस्तों एक चीज तो मैं खुल के बोलता हूँ भाई, चाहे जो भी हो जाए किसी स्टॉक का अगर प्राइस इंक्रीज होने वाला रहता है तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। जैसे IRCTC में मैंने बोला धड़ाक से कि भाई कंपलसरी एक तो खरीदो खरीदो करके मैंने बोला, उसी तरह दोस्तों यहाँ पर देख लो मैंने क्या बोला दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक का, कि इसका प्राइस जो है इंक्रीज होने वाला है भाई एक तो खरीद लो, यहाँ पर मैंने बोला स्पीड के साथ ग्रोथ होने वाला है। पहले आपको बता दे रहा हूँ, अभी देख लो, क्योंकि स्टॉक बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो चुका है, अब इसका प्राइस जो है धमाकेदार स्पीड के साथ ऊपर जाने वाला है। तो तो यहाँ देखा मैं जो भी सच रहता है दोस्तों उसको एक्सेप्ट करना है और कुछ भी नहीं, क्योंकि सच कड़वा होता है और एक्सेप्ट उसको करना ही पड़ता है, चाहे आज खुद से करो या कल किसी मजबूरी से करो ठीक है, दो ही चीजें हमें एक्सपेक्ट करना पड़ता है। और ये लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक का जो है आपके सामने मैंने जो है चार्ट सेट कर दिया है, मैंने वीडियो का पब्लिश किया था 31 जैन को, मैंने वीडियो जो है पब्लिश किया था ठीक है। करेंट मार्केट क्या प्राइस चल रहा था दोस्तों? 1600 के अराउंड चल रहा था ठीक है, 1600 के आसपास ही चल रहा था। और मैंने क्या बोला था दोस्तों रॉकेट की तरह प्राइस इंक्रीज होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना टच किया है, 1740 रुपीज को टच कर दिया, डायरेक्ट 100 पॉइंट का जंप, डायरेक्ट 100 पॉइंट का जंप देख लीजिए डायरेक्ट, जो भी था मैंने आपको सामने बोल दिया।
और उसके बाद दोस्तों मैंने एक बहुत ही खतरनाक वीडियो अपलोड मारा था। DCAL नाम की एक कंपनी थी दोस्तों, जिन्होंने आपका पैसे को जस्ट डबल कर दिया, जस्ट डबल कर दिया दोस्तों, वो भी ज़्यादा नहीं, 2 से 3 महीने का टाइम लिया और आपका पैसा डबल कर दिया। और वो वीडियो मैंने कब पब्लिश किया था वो भी मैं आपके सामने दिखा देता हूँ दोस्तों। ये वीडियो मैंने पब्लिश किया था, यहाँ पर देख लो दोस्तों, 5 जैन को मैंने जो है ये वीडियो अपने आप पब्लिश किया था आपके सामने। मैं अभी जो है प्ले करके दिखा देता हूँ कि उसका करंट मार्केट प्राइस क्या था और आज के डेट में क्या करंट मार्केट प्राइस है। एडवांटेज भी है, अगर ये एडवांटेज सक्सेसफुल कर गया तो दोस्तों आपका पैसा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगा। देखिए इस कंपनी का चार्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, DCAL, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसका जो हाईएस्ट बना था 400 का ये हाईएस्ट बनाया है, जैसे कि येस बैंक था। और ऊपर से दोस्तों ये देखिए 2018 में ही इनकॉर्पोरेट हुआ था, उसके बाद इसमें जो गिरावट देखी गई है दोस्तों, ये देखिए 400 से डायरेक्ट जो है ये देखिए 40 का रास्ता नापने वाला है, और देखिए 60 के भाव पे आज ट्रेड कर रहा है, और डेली इसमें जो है 5 या 6। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने साफ साफ बोला कि ये जो स्टॉक है डेली गिरावट हो रहा और 60 के रुपीज़ में आ चुका है, ठीक है, 60 रुपीज़ के अराउंड आ चुका है ये स्टॉक। और मैंने इस वीडियो में साफ साफ बताया था कि दोस्तों इस वीडियो में एक छोटा एडवांटेज आने वाला है, उसकी वजह से स्टॉक में आपको बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं तो देखिए दोस्तों, दोस्तों वही कंपनी है DCAL, दोस्तों इसका एक एडवांटेज आने वाला है आने वाले दिनों में, ठीक है। जैसे कि दोस्तों येस बैंक में क्या है कि जब तक कैपिटल रेज ना हो जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों ये कंपनी जो है एक मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है और इसके पास एक यूनिकनेस है। यूनिकनेस का मतलब दोस्तों वो चीज बस इसके पास है और किसी के पास नहीं है। तो जैसे मार्केट में आया दोस्तों बवाल हो जाएगा ये स्टॉक DCAL, दोस्तों बवाल हो जाएगा। अभी इसमें देख लीजिए, तो मैंने साफ साफ बोला दोस्तों कि ये कंपनी में बवाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। और यहाँ पर डेट देख लीजिए दोस्तों, मैंने पब्लिश कब किया था, 5 जून को जो है मैंने ये वीडियो पब्लिश किया था। तो यहाँ पर देख लो अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों, 92 चल रहा है, लेकिन आप इसका अगर हाइएस्ट देख लीजिएगा तो दोस्तों देख लीजिए बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसने। तो मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों कब बनाया था, मैंने बनाया था 5 जनवरी को, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 8 जनवरी को जो है चार्ट सेट हुआ, थोड़ा मुश्किल हो रहा था, ठीक है। मैंने जब बनाया था तो प्राइस कितना था, 63 रुपीज़, ठीक है, यहाँ पर 64 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लो दोस्तों, स्टॉक ने जो हाइएस्ट मारा है 112 रुपीज़ का, यहाँ पर मारा, यहाँ पर देख लो 110 रुपीज़ का। तो आप देख सकते हो आपका पैसा जो है जस्ट डबल हो गया। तो ये होता है स्टॉक दोस्तों, जहाँ पर बॉटम बना मैंने वहाँ पर ही बोला खरीदने के लिए। तो आप देख सकते हो ये है दोस्तों परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, जहाँ पर आपको पहले तो बताया ही जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस बढ़ने या घटने वाला है, उसके साथ साथ दोस्तों आपको एक अच्छा सपोर्ट दिया जाता है और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिया जाता है। तो ये रहा मेरा पोर्टफोलियो, आपके सामने मैंने दिखा रहा हूं दोस्तों कितना परसेंट का रिटर्न है। देखिए पोर्टफोलियो ये जो है रियल है दोस्तों, क्योंकि देख लीजिए हो सकता था कि एक कंपनी या दो कंपनी में नुकसान होता, कुछ तो होता, लेकिन यहां पर देख सकते हो सारी कंपनी में हरियाली, एक भी कंपनी में लॉस नहीं है। उसके बाद हाँ कम प्रॉफिट है लेकिन लॉस नहीं है। ये भी देख लीजिए, मैं आपको ना जो है पूरा पोर्टफोलियो आपके सामने दिखा रहा हूँ, हालांकि मैं कंपनी का नाम नहीं दिखा सकता क्योंकि दोस्तों वो पेड सर्विसेज में आता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसमें भी 13% का रिटर्न है, 12% का रिटर्न है, 10% का रिटर्न है, 10% का रिटर्न है। तो जितना जैसे जैसे खरीदा जा रहा है दोस्तों, वैसे वैसे कंपनी का जो है परसेंट जो है डिक्रीज हुआ जा रहा है, लेकिन आपको बहुत बहुत अच्छा जो है रिटर्न यहां पर मिल रहा है। आपको मैंने दिखा दिया दोस्तों 44%, समझ रहे हो, 50% का रिटर्न बहुत होता है दोस्तों। अगर आपने मार्केट में 10 लाख रुपया लाया तो अगर आपको 50% रिटर्न मिलता है तो आप समझ सकते हो दोस्तों 50% का मतलब आपके पास 15 लाख रुपया होगा। अगर आपने 1 लाख रुपीज लाया, 1 लाख रुपया आपने अगर मार्केट में लाके इन्वेस्ट किया और आपको अगर 50% का रिटर्न मिलता है तो 50,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया, समझ जाओ दोस्तों इतना अच्छा से पैसा जो है ग्रो होता है। उसके बाद दोस्तों ऐसे वीडियो का फोकस मत करो मेरे ख्याल से, ये मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, आपका देख लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। और ये वीडियो में मैं आपको ये भी बताना चाहता था कि दोस्तों आप पैसे की चिंता मत करो, नॉलेज की चिंता करो, स्किल की चिंता करो, जो है आपके पास उसको यूज करो। आप ये मत देखो कि किनके पास क्या है, अंबानी के पास बहुत पैसे है, हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो पैसे है ना उनको वैल्यू देना सीखो, वैल्यू देना सीखो। जितना पैसे हमारे पास है उसका वैल्यू आप समझो कि उस पैसे से ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है कि भाई उनके पास उतना है, उनके पास इतना। कभी हमने जो है अपने तिजोरी में झांक के देखा ही नहीं कि हमारे पास क्या है यार, हमारे पास जो है वो किसी के पास है ही नहीं। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास जितना पैसा है ना वही काफ़ी है, लेकिन आप सही जगह इन्वेस्ट करो, सही जगह जाओ जहाँ पर आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिल पाए, ठीक है। और दोस्तों जहां तक बात रही इस वीडियो की, तो दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि IRCTC में आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, हर एक प्राइस पे मैंने वीडियो बनाया, आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिलेगा।
और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि कल को अगर IRCTC 100-200 पॉइंट गिर जाता है, 100-200 पॉइंट अगर गिर जाता है, मान लीजिए 10% 15% अगर गिर जाता है, तो भाई डरिएगा मत, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, अवंती फीड जैसे कंपनी ने यहाँ पर लोगों को करोड़पति बना दिया। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक का प्राइस कभी गिरा ही ना हो। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, दो साल के अंदर इन्होंने जो है 27% का नेगेटिव रिटर्न दिया, और यहाँ पर देख लीजिए ईयर टिल डेट में इन्होंने जो 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया, 1 मंथ में 19% का नेगेटिव रिटर्न दिया, 1 वीक में 8% का नेगेटिव रिटर्न दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जो भी काम करना चाहते हो करो, बीच में हर्डल्स तो जरूर आएंगे, आपको बहुत ज्यादा जो है कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उसी तरह स्टॉक में अगर थोड़ा बहुत गिरावट आता है ना, तो डरिएगा मत, जम के सामना कीजिएगा, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ के पेड सर्विस लेना चाहते हो, और भी अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो दोस्तों आप हमारे पेड सर्विस को ज्वाइन कर सकते हो। ये जो नंबर है आपका ऊपर में डिस्प्ले हो रहा है, ये व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है। इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप SMS कर सकते हो। उसके बाद ये जो नंबर है दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। और अपने आसपास के जो लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, अगर आपको लगा कि मैंने कुछ सही नॉलेज दी है, तो कीजिएगा दोस्तों, और उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो आपकी नजर में जिनको जरूरत है, ठीक है। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।